हेलो, सब कहते हैं गोल्डन पर लगाओ, रात को लगाओ, सुबह चिट्टे गोरे हो जाओ, हबशी भी लगाए तो वो भी चिट्टा गोरा जाए। पा ये नहीं, नामुमकिन चीज़ है, इस पे मत यकीन करें। गोल्डन पर अप्लाई करते हैं। चलें, मैं अपने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करती हूँ, देखती हूँ कि रात को लगाऊंगी तो चिट्टी गोरी हो जाऊंगी। और ये लोग दावा करते हैं, लेकिन अल्लाह को मुंह दिखाना है। ये तो प्लीज़ इतना झूठ मत बोला करें। गोल्डन पर्ल है मेरे पास, और साथ वाइटनिंग एक सीरम में है मेरे पास, गोल्डन पर्ल वालों का। साथ मेरे पास वाइटनिंग कैप्सूल है 4 अदद। तो अब मैं इसको इस्तेमाल करूँगी अपने आप पर, क्योंकि इंसान अल्लाह मियाँ को मुँह दिखाना है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। और इसको मैं अप्लाई करूँगी, 5 वक्त भी करूँगी, 2 टाइम भी करूँगी, और मैं आपको ये दिखाऊँगी। एक हफ्ते मैंने 1 वीक इस्तेमाल किया इसको, और इसका क्या नतीजा निकला है। मेरे पास ये गोल्डन पर्ल है, मैं पहली बार इसको अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सर्दियों में अपने एहतियात करना छोड़ दी थी। मेरी फजर बेबी जब हुआ है, तो उसके बाद मैंने अपनी केयर बिल्कुल नहीं की। सर्दियों में मेरे हाथ मेरी चेहरे के फेस के साथ थोड़ा सा ज़्यादा चेहरे से ज़्यादा डार्क हो गए थे। तो मैंने कहा, लोग अक्सर कहते हैं ना, मुँह तो तकरीबन लानी है, तो हाथ नहीं तो ख्याल कर लिया करो। तो भी ऐसे क्रीम कोई नहीं लेंदे रात में ही। आ वेखो, मैं गोल्डन पर्ल क्रीम नू अद्धा कट लिया, तो फिर इस्तेमाल कर लिया। ओहो पंजाबी, तो मैंने आधा क्रीम निकाली है, उसमें मैं आधा ही गोल्डन पर्ल सीरम डालूंगी, उसमें 4 वाइटनिंग कैप्सूल डालूंगी, इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। लोग दावा करते हैं कि रात लोग आए तो इसमें एक चीज़ मिक्स करें, रात और रात हबशी लोग भी गोरे हो जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। एक आपा जी भी कहती हैं कि हबशी लोग लगाएंगे, रात को लगाएं, सुबह जब उठेंगे तो चिट्टे गोरे हो जाएंगे। पर मैंने इसे ऐसे इस्तेमाल किया है, मैं रोज़ अपना चेहरा शीशे में देखती थी, और देख कर कहती थी मैं चिट्टी गोरी नहीं हुई अभी तक। तो मैंने इसे आधा लिया है गोल्डन पर्ल क्रीम लिया, उसमें मैंने आधे ही सीरम इसका गोल्डन पर्ल सीरम डाला है, और वाइटनिंग कैप्सूल डाले हैं। ये ऐसा ऐसा असर करती है, लेकिन आपको इतना चिट्टा गोरा नहीं कर देती कि आप अंग्रेज़ी बन जाएं। तो आप ये कैप्सूल, इस 4 मैंने कैप्सूल ये डाले, वाइटनिंग कैप्सूल, इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है। तो इसको मेरे चम्मच से मिक्स नहीं हो रहा था, मैंने हाथ का इस्तेमाल किया मिक्स कर। अच्छा जी, हम इसे हाथ के साथ हम मिक्स करेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करके फिर अपने आप पर अप्लाई करेंगे। तो ये देखें, मैं आपके सामने सीरम डाल रही हूँ, लेकिन आजकल जो चिट्टे होने वाली चल रहा है ना, चिट्टी क्रीम ये असे भी लानी चिट्टी क्रीम, लेकिन लाओ तुसी, लेकिन इन्नी ज़्यादा ना लाओ कि तुसी इस भी कार्टून बन जाओ। तो मैं तभी लोगों तो इंप्रेस होकर मैं वीडियो बना रही सी, मैं गोल्डन पर्ल का बहुत अच्छा नतीजा है, तो चलो मैं भी अप्लाई कर लेनी है। तो बराए मेहरबानी आप अप्लाई करें एक दिन में, ये ऐसे नहीं है कि आप रात को लगाएं सुबह आप बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह बिल्कुल सफ़ेद हो जाए, नहीं है। अब असर करती है, लेकिन ऐसा ऐसा असर करती है। अगर आप गोल्डन पर्ल के अंदर भी देखें ना, जो पर्ची होती है उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये आपकी रंगत को साफ़ करती है, ये गोरा चिट्टा नहीं बना देती, ये आपके रंग को साफ़ करेगी। सर्दियों में जो डार्क हो जाते हैं ना, धूप ले ले के हाथ पाँव जो मैले हो जाते हैं उनको साफ़ करेगी। ये देखिए, अच्छी तरह मिक्स जब हो जाएगी तो हम इसे खाली कंटेनर में किसी में डाल देंगे, तो उसे अपने रख लें। तो मैं इसे अप्लाई करूँगी, जब मैं नमाज़ पढ़ूँगी वज़ू करने के बाद इसको हाथों पे लगाऊँगी, तो चेहरे पे भी लगाना हो चेहरे पे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये आहिस्ता 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 करेगी, और मैं आपको दिखाऊँगी कि जब मैंने 1 हफ़्ता इसको लगाया है तो ये कैसे इसने मेरे पर अमल किया है, असर किया है। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल का नोटिफिकेशन आती रहती है, बेल का बटन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आएगी। तो मैंने गोल्डन पढ़ लिए, लेकिन आधी ली है, ये देखिए मैंने आधी का इस्तेमाल किया। आधी जब मेरा असर ख़त्म हो, जब क्रीम ख़त्म हो जाएगी, तो फिर मैं इस आधी का मज़ीद बना लूँगी। आप इसे अप्लाई करें, 3 टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं, और मैं अभी वज़ू का जब भी करूँगी उसके बाद इसको हाथ पे लगाऊँगी, और मैं 1 हफ़्ता लगाऊँगी। अब खुद ही देख रहे मेरे हाथ पे इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता असर हो रहा है। ये मैं 2-3 दिन का नतीजा है, अगर मैं इसे प्रॉपर तौर पर 14 दिन के लिए इस्तेमाल करूँगी तो शायद मेरे पे और असर हो जाए। थैंक यू।